नमस्कार दोस्तों, अगर आपका भी जो है फेसबुक पे जो है गूगल में भी सर्च करने पर नहीं आ रहा है, फेसबुक में भी सर्च करने पर आपका पेज जो है नहीं सर्च में लिस्ट में आ रहा है, तो कुछ सेटिंग जो है आपको करना होगा। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं कि हमारा फेसबुक पेज जो है गूगल पर भी सर्च करने में आ रहा है एंड फेसबुक पे भी जो है सर्च करने पर आ रहा है। और कौन सा सेटिंग है जिसे आप कीजिएगा तो आपका पेज भी जो है गूगल पर सर्च कीजिएगा तो आसानी से जो है आ जाएगा। तो आइए इस वीडियो में जो है जानते हैं। तो सो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल कुमार, आप देख रहे हैं प्यारा चैनल बर्मा टेच। चैनल पर नया है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पेज को जो है गूगल सर्च में लाने के लिए आप लोग को कुछ सेटिंग जो है करना होगा। पहला सेटिंग ये करना होगा कि आपका फेसबुक पेज का नेम जो है यूनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी बड़े सेलिब्रिटी से आपका पेज जो है मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, यूनिक नेम जो है चूज करना होगा। तो जो फेसबुक पेज का नेम जो है चेंज करने के लिए आप लोग फेसबुक ऐप को जो है ओपन कर लीजिएगा। हमने ऐप को ओपन कर लिया हुआ है, यहाँ से 3 डॉट वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक करना होगा। बर्मा टेच जो है हमारा फेसबुक पेज है, इसके बाद हमें सेटिंग वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक करना होगा। यहाँ पर देखिए पेज सेटिंग वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक करना होगा। जब पेज सेटिंग वाला ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए जो नेम बताया जा रहा था, नेम वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक कीजिएगा। आप पेज का नेम जो है यूनिक यहाँ से जो है रख सकते हैं। इसके बाद रिव्यू चेंज वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक कीजिएगा तो आप फेसबुक पेज का नेम जो है आप यहाँ से जो है सेट कर लीजिएगा। आपको अपने फेसबुक पेज के बायो में जो है अपने नीच से रिलेटेड जो है कीवर्ड को जो है यूज करना होगा। हैशटैग भी जो है आप आसानी से यूज करते हैं। तो यूज करने के लिए आप लोग को फेसबुक ऐप को जो है ओपन कर लीजिएगा। ओपन कर देने के बाद आपको यहाँ पर 3 डॉट वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक करना होगा, एडिट वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक करना होगा। इसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पर जो है बायो आपको दिखाई दे रहा होगा। बायो में जो है आपको नीच से रिलेटेड जो है कीवर्ड यूज करना है, हैशटैग जो है यूज करना है। फेसबुक पेज का जो है आप लोगों को एक URL लेना होगा, कहने का मतलब कि एक एड्रेस लेना होगा। जैसे कि अगर आप कोई भी जो है गूगल पर सर्च करेगा तो facebook.com, जिसके बाद आपने जो भी URL लिया होगा, जो भी एड्रेस लिया होगा, उसके बाद आप सर्च करेंगे तो आपका फेसबुक पेज जो है गूगल पर भी सर्च करने पर आएगा। तो कैसे लेना है फेसबुक पेज का URL लेने के लिए आप लोग को कंप्यूटर पे जो है सबसे पहले फेसबुक को जो है लॉगिन करना होगा। लॉगिन कर देने के बाद आप लोगों को पेज को जो है लॉगिन कर लीजिएगा वहाँ सेलेक्ट करके। इसके बाद सेटिंग वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक करना होगा। इसके बाद फिर से सेटिंग वाला ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर जो है यूजर नेम चूज करने का मौका जो है दे दिया गया है। तो आपको अपने यूजर नेम जो है यूनिक चूज करना होगा। यूजर नेम जो अवेलेबल होगा तो वहाँ पर ग्रीन टिक जो है आ जाएगा। इसके बाद सेव सेटिंग वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक कीजिएगा तो आपका फेसबुक पेज जो है यहाँ पर यूजर नेम जो है आपने ले लिए हुए हैं। इसके बाद आप जो है फेसबुक पेज को जो यूजर नेम बताया जा रहा है, जैसे एग्जाम्पल में अगर आप गूगल पर भी जो सर्च कीजिएगा तो आपका अकाउंट जो है सर्च लिस्ट में जो है आसानी से आ जाएगा। लास्ट सेटिंग जो ये आपको करना होगा। इसके बाद आपका फेसबुक पेज जो है आसानी से जो है गूगल में सर्च करने पर भी जो है आने लगेगा। आपका फेसबुक पेज को जो है गूगल में इंडेक्स करना होगा। तो गूगल में कैसे जो है इंडेक्स करना होगा, सबसे पहले फेसबुक ऐप को जो है ओपन कर लीजिएगा। चलिए हम फेसबुक ऐप को जो है ओपन कर लिए, पेज को यहाँ सामने जो है लॉगिन कर लिए हुए हैं। सेटिंग वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक कीजिएगा। इसके बाद पेज सेटिंग वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक करना होगा। इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पर प्राइवेसी वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक करना होगा आप लोगों को। जब इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पर इस वाला ऑप्शन पर जो है आप लोग को क्लिक करना होगा। इस ऑप्शन में जो है बताया जा रहा है कि आपका फेसबुक पेज जो है अगर कोई गूगल के गूगल पर भी जो है सर्च करेगा क्या दिखाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो है आप में जो अगर नो लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप लोग को इसको ऑन कर देना होगा। इसको अगर ऑन कर देते हैं तो आपका फेसबुक पेज जो है गूगल पर भी सर्च करने पर दिखाया जाएगा, बिंग पर भी सर्च करने पर जो है दिखाया जाएगा। इसके बाद ये सब सेटिंग कर देने के बाद आपका फेसबुक पेज जो है 2 से 3 महीने का अंदर जो है आसानी से गूगल पर भी जो है सर्च करने पर दिखाई देने लगेगा। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो भी डाउट चल रहा होगा एक नीचे प्यारा सा कमेंट करके हमसे जो है सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।